सो फ्रेंड्स, जो दूसरी फिल्म मैंने इस हफ्ते देखी वो है अ थर्सडे। और ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये फिल्म, बीइंग वेरी फ्रैंक। हालांकि कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि फिल्म बड़ी वीक थी। मुझे तो ये फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। तो अगर अपन बात करते हैं इसके स्क्रीन प्ले का, तो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा कि जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है काफ़ी डिटेल्ड स्क्रीन प्ले लिखा गया है। इस तरह की फिल्मों में जैसा स्क्रीन प्ले चाहिए होता है, मेरे हिसाब से फिल्म का स्क्रीन प्ले वैसा ही है। और सबसे अच्छी बात यह है इस फिल्म की कि आपको स्क्रीन प्ले कुछ ना कुछ देता रहता है थोड़े थोड़े देर में। अब जैसे मैं एक ही सीक्वेंस बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, कि यामी गौतम और एक इंसान एक आदमी के बीच में फाइट होता रहता है, और पीछे ना एक स्लीपी सा म्यूजिक चलता रहता है जिसमें बच्चे सो रहे होते हैं। तो एकदम स्लो सा म्यूजिक और एक फाइट हो रहा है, और फाइट की कोरियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए और मुझे मज़ा आया। ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें हैं इस फिल्म में। अब अगर अपन बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में तो मैं बोलूँगा कि यामी गौतम का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुझे बहुत मज़ा आया उनको देखने में। जिस हिसाब से वो स्विच करती थी एक्सप्रेशंस, जब वो बच्चों से बात कर रही है तब वो बिल्कुल डिफरेंट है, जब वो पुलिस से बात कर रही है तब वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उनका जो पूरा इतना बड़ा सीक्वेंस है, जो मेन वो लीड में थी, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि अतुल कुलकर्णी जी भी इसमें है, इस फिल्म में, उनके बावजूद भी यामी गौतम जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। उनको कई सारे सीन्स में देख के लिटरली आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार व्हाट इज देयर, और ये क्या कर देगी, क्यों कर रही है ये, ऐसा सवाल आपके मन में उठेगा। तो ये उनकी जीत है। अतुल कुलकर्णी जी के बारे में मैं बोलूंगा कि वो उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्टर है। लेकिन उनको डायलॉग्स और अच्छे दिए जा सकते थे, है ना, क्योंकि उनको जब डायलॉग्स अच्छे देते हैं तो उनके जो डायलॉग बोलने का वे है वो एक अलग ही वे है, उसमें बहुत मजा आता है। जैसे रंग दे बसंती में मेरे को उनका काम बहुत अच्छा लगा था। नेहा धूपिया जितना उनको दिया है उतना उन्होंने कर लिया है। मुझे ऐसा कुछ उनका काम कभी भी बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग कर दी। तो सेम हियर, मुझे वैसा कुछ भी नहीं लगा, बुरा नहीं है, जितना उनको दिया गया था उतना ही है। नेचुरल भी उतना नहीं लग रहा था, हालांकि फिल्म काफ़ी पूरी नेचुरल है, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नेचुरल नहीं लगी, उनकी एक्टिंग मुझे उतनी नेचुरल नहीं लगी। और सिनेमाटोग्राफी की बात करें, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, तो कमाल का है बैकग्राउंड म्यूजिक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फिल्म का। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी लगी इस फिल्म की। वो ऐसा है ये फिल्म कि आपको एक थोड़ा सा ये ना वियर्ड सा, एक थोड़ा सा आपको डराना चाहिए, एक थोड़ा सा क्रीपी सा माहौल बनना चाहिए ऐसी फिल्मों में, क्योंकि किडनैपिंग एंड ऑल द थिंग्स है, बाकी सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी सीरियस टॉपिक है, इसको और अच्छे से आप कर सकते थे ट्रीट, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रीट किया गया है। एंड में जो ट्विस्ट आता है, हो सकता है कुछ बुद्धिमान लोग प्रिडिक्ट कर लिए होंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, मुझे ऐसा लगता है एंड में जो ट्विस्ट आता है भाई मेरे लिए तो सरप्राइज था। पहला वाला ट्विस्ट नहीं था सरप्राइज, दूसरा जो ट्विस्ट आता है वो तो मेरे लिए सरप्राइज था, और बहुत लोगों के लिए सरप्राइज होगा, वो लोग बोलेंगे नहीं जरूर, बट था सरप्राइज, और मुझे मजा आया वो ट्विस्ट देखने में, अच्छा लगा, सरप्राइज हुआ मैं। और जो इमोशनल सा मैसेज है उसके पीछे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया गया है, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन है, एक मैसेज है, एक लेसन है, तो उसको उसी तरह से दिखाया गया है, बिल्कुल किसी भी तरह का उस चीज में कोई भी मिश्रण नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा देख के। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, आप इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि ये फिल्म से मुझे उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, कंपेयर करते हैं इसको अवेयरनेस डे से, क्योंकि इसका नाम अ थर्सडे और प्रीमाइसेस जो है ऑलमोस्ट सेम है, वही किडनैपिंग एंड ऑल, थोड़ा सा डिमांड विमांड, फोन पे फिल्म चलती है, तो थोड़ी सी लोग कर दे रहे हैं कंपेयर, बट मैं आपको बोलूंगा कि वेडनेसडे से इसको मत कंपेयर करो। नसरुद्दीन शाह, जिमी शेरगिल, अनुपम खेर जैसे दिग्गज एक्टर्स थे, तो ऑफकोर्स उस फिल्म से आप इस फिल्म को कंपेयर करोगे तो ये फिल्म आपको थोड़ी सी कमी लगेगी, बट एज अ सोलो फिल्म आप इस फिल्म को देखो, आपको बहुत मजा आएगा। डिजनी प्लस हॉटस्टार में आप इस फिल्म को देखिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, है ना। खैर कोई हो भी सकता है डिसअपॉइंट, क्या पता अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल ऑडियंस रहे जिसको बहुत ही अच्छा फिल्म देखने का आदत हो, तो वो हो भी सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, बट मैं सरप्राइज था इस फिल्म को देख के, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करना वीडियो को। अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी।